भाई यहाँ पे हमने फुकरा भैया का पोस्टर लगाया था और यहाँ से पोस्टर गायब है। Hi guys, welcome back to my vlog channel. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तुम्हें मेरे व्लॉग में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मेरे व्लॉग में स्वागत है। और भाई मेरा ना मुंह फंबल हो जाता है, बोल गया अभी फंबल हो जाता है। क्या चाहता तू? अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर घूमने जाने के लिए, क्योंकि बड़े टाइम हो गए हमने जो पोस्टर लगाए गए थे ना फुकरा भैया के लिए, भाई उसकी तो किसी ने चेकिंग ही नहीं करी। मैंने कोई चेकिंग ही नहीं करी, क्योंकि मेरे को ना मेरे दोस्त ने बताया एक ने कि जो मैंने अपने घर के मार्केट के उधर वो लगाया ना उनका पोस्टर, वो किसी ने उतार दिया है। तो अब क्या करना होगा, वैलेंस को वहां पे जाके चेक करना होगा उतारा है या फाड़ा है। देखो अगर फाड़ा होगा तो मैं फाड़ दूंगा उसको 20 से, ठीक है, और उतारा होगा तो भी 20 से फाड़ दूंगा। इतनी मेहनत से पोस्टर लगाते हैं हम और तुम लोग उतार रहे हो, ये क्या बात हुई? अबे हेट क्यों कर रहे हो भाई, हेट क्यों कर रहे हो भाई ये बताओ, हेट क्यों कर रहे हो? बंदा अपनी मेहनत से वहां पहुंचा, अपनी मेहनत से मैंने वहां लगवाया पोस्टर। अब तुम बताओ इतना खंबे वंबों पे चढ़ के मैंने पोस्टर लगवाया, इतना बजट अपना लगा के स्पेंड करा है फुकरा भाई के लिए, और ये बंदे ऐसे पोस्टर कर देते हैं। कि जा रहा था और मैंने देखा, ये देखो भाई यहाँ पे हमने फुकरा भैया का पोस्टर लगाया था और यहाँ से पोस्टर गायब है। नमस्ते भाई, यार कैसे लोग है, मतलब इतनी हेट पोस्टर ही हटा दिया भाई वहां से, पोस्टर ही नहीं है भाई। भाई कम से कम ये तो देख लेते कि बंदे ने किसी मेहनत करी है, पोस्टर लगवाया है, कैसे चढ़ा है बंदा वहाँ पे पोस्टर लगवाने के लिए, और तुमने 2 मिनट में फाड़ दिया भाई। पता नहीं कौन है, क्या करता है, हेट करता है जबरदस्ती का भाई। अब मेरे को नहीं पता उसने किस वजह से पोस्टर हटाया, लेकिन ये बात बहुत गलत है यार, पोस्टर नहीं हटाना था, पूरा पोस्टर भाई दिख भी नहीं रहा। एटलीस्ट मुझे दे देता कि भाई यहाँ मत लगा, ये कुछ किसी ने कुछ बोला भी नहीं लगाते टाइम, पोस्टर हटा दिया भाई सीधा। सारी मेहनत पे पानी गया है भाई, सारी मेहनत पे पानी गया है, जो पूरा दिन भर प्रिंट करवाए पोस्टर, फिर लगवाए सीढ़ी पे चढ़ के हैं, और ऊपर से फिर एंड में क्या होता है कि कोई पोस्टर निकाल देता है भाई। कुछ दिन तो लगे रहने देते भाई, यार फाड़ा है किसी ने, क्या करा है? अगर पोस्टर फटा हुआ होता ना तो आसपास मिलता, पता नहीं क्या करा यार। अभी और देखता हूँ, पोस्टर चेक करता हूँ जहाँ मैंने लगवाए थे, ये हमने जहाँ दूसरा पोस्टर लगाया था वहाँ देखने आया है, और ये रहा। ओहो, ये वाला तो सेफ है पोस्टर, तो ये वाला पोस्टर सेफ है। अंकल ये मत उतारना, ठीक है, हाँ बस 2 दिन बाद उतारना, बिग बॉस जब खत्म हो जाए ना तब। आहा हा, फुकरा भैया सुभाष नगर में प्रचार हो रही है तुम्हारी। चलो ये वाला पोस्टर भी सेफ है। देखो भाई हम मेहनत से करते हैं, ठीक है, हमने अपने भाई के लिए, अपने भैया के लिए मेहनत से एडवर्टीजमेंट करी है, ठीक है, तो बस वो चीज ना खराब ना हो, मतलब कोई स्पॉइल ना कर दे उस चीज को, तो बस ये चीज का डर रहता है। जैसे अभी उधर का पोस्टर फटा, अब मैं आगे देखने जा रहा हूँ, ज्यादा पोस्टर लगे वहां देखने जा रहा हूँ कि वो तो नहीं हटे कहीं। चलो भाई ये देखो, लुक हु इज हियर, अभिषेक मलाव। ओ भाई चलो, यहाँ पता नहीं किसने लगवाया, मैं रास्ते में जा रहा था, फिर मैंने देखा भाई यहाँ पे फुकरा इंसान का पोस्टर लगा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब भाई ये बिलबोर्ड से कम नहीं है किसी। ओ भाई फ्लैश वहां पे भी जा रही है, इतनी तेज फ्लैश है भाई, ये किसी बिलबोर्ड से कम नहीं है, मतलब पूरा फुकरा इंसान का लगा हुआ है इतने बड़े रोड पे, तुम देख सकते हो यहाँ से पूरे नारायणा वाले फ्लाईओवर पे लगा हुआ है ये, यहाँ से धौला कुआ के लिए जाता है रास्ता, और यहाँ पे फुकरा इंसान के लिए बिग बॉस का पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। मेरे को अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ हुआ है, जिसने भी लगवाया थैंक यू भाई। मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, मेरे पोस्टर फाड़ दिए लोगों ने, मैंने तिलक नगर पे लगाया था, मैंने और भी 2-3 जगहों पे लगाया था, वहां पे मेरे पोस्टर फट गए, लेकिन इसको देखने के बाद भाई मैं पूरा मोटिवेट हो गया कि हाँ भाई लोग हैं प्यार करने वाले, हेट करने वाला कोई नहीं है, बहुत लोग हैं प्यार करने वाले जो प्यार करते हैं और सपोर्ट दिखाते हैं लोगों को, ठीक है, और बहुत सही लग रहा है यार फुकरा भैया का पोस्टर, एक नंबर पोस्टर लग रहा है भाई, पूरी रोड पूरी पब्लिक देखेगी भाई, आते जाता हर बंदा देखेगा भाई पोस्टर, एक नंबर लग रहा है भाई। तुम भी जाके वोट करो अगर तुमने वोट नहीं करा, ट्रॉफी अपने घर लानी है दिल्ली, ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी का बंदा जीते, लेकिन फुकरा भैया को वोट करो यार, वो डे वन से है भैया यार, तुम वोट करो फटाफट जाके। और मैं बस यही कहूंगा कि यार अब थोड़ा दिल को ठंडक मिल रही है, क्योंकि भाई वहां पे पोस्टर मेरे फाड़ दिए गए थे, किसी ने हटा दिया, ठीक है, जो हेट दिए वहां पे, लेकिन यहाँ पे एक प्यारा सा बड़ा सा पोस्टर देख के, ये मैंने नहीं लगवाया भाई, तुम लोग सोचो मैंने लगवाया है, मेरी इतनी का बजट है अभी, लेकिन ये जिसने भी लगाया उसको थैंक यू, और भाई जिसने भी लगाया मतलब जासूस भैया ने लगाया होगा शायद, लेकिन भाई यहाँ पे जो पोस्टर लगाया ना भाई वो एक नंबर यार, वोट फॉर फुकरा इंसान। चलो अब घर चलते हैं, अब फटाफट बहुत लेट हो गया। तो भाई जैसा कि तुमने व्लॉग में देखा, और यार एक बात समझ नहीं आती, लोग पता नहीं क्यों हेट करते हैं। देखो भाई बंदा मेहनत से तुम किसी के लिए कोई चीज कर रहा है,
मैं अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मेहनत से कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी तुम्हारे घर से तुम्हारा अनाज लेके नहीं कर रहा, तुम्हारे घर से तुम्हारा पैसा लेके नहीं कर रहा, तो फिर किस बात की हेट है, किस बात की हेट है भाई ये बताओ। नहीं तुम लोगों ने पोस्टर उतार दिए यार तीन चार जगह से, पता है मैंने कितनी मेहनत से लगाए थे, कितनी मेहनत लगी थी लगाने में पोस्टर, दिन रात एक कर दी थी, पूरा पसीना आ गया था, डिजाइन वो करा, ये मांगा है, रात रात को मैसेजेस करे हैं भाई, बंदे इकट्ठे करे भाई पोस्टर लगा दो, लेकिन लोगों को तो कीमत ही नहीं पता ना यार, दो मिनट में पोस्टर फाड़ दिया, क्या कर सकते हैं यार भाई। ऐसे किसी को हेट मत करो यार प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट यार भाई, कुछ ही टाइम की गेम है, मैंने चार दिन पहले लगाए थे, वो भी फाड़ दिए, उतार दिए किसी ने, यार दिल से दुख होता है यार। मेरा तिलक नगर फ्लाईओवर के उधर से पोस्टर हट गया, मेरा तिलक नगर गोल चक्कर से पोस्टर हट गया, मेरा यहाँ अपने घर के इधर से पोस्टर हट गया, मेरा रजौरी से पोस्टर हट गया, मैंने तीन चार जगह लगाए थे यार, बाकी एक बस किसी ने बैनर लगवा के ना, वो बड़ा सा ओवरबोर्ड जो है, मेरा दिल जीत लिया भाई, सारी मतलब मेरा जो गुस्सा था ना सब ठीक हो गया उसको देखने के बाद, क्योंकि हाँ भाई फुकरा भैया के सपोर्टर हैं और फुकरा भाई को सपोर्ट करने वाले भी हैं, अगर हेट कर रहे हैं, और भाई सुनो भाई प्लीज, मेरे को पता है किसी ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन कोई अंदर से होता ना जेलसी कि ये क्यों गया, ये वो, ये क्यों लगवा रहे मेरे घर के, वैसे लोग होते हैं, तो छोड़ो अब क्या किसी को बोल सकते हैं, छोड़ो। खैर चलो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता आज, मैं डिप्रेस हूँ, सॉरी।